तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ठंडी में भी आप अपने आम के पौधे में ग्रोथ कैसे बकरार तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, और आपका आम का पौधा एकदम ठंडी में भी अच्छा ग्रोथ पे भी रहेगा, और थोड़ा भी आम का पत्ता में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एकदम आपका आम का पत्ता एकदम हरा भरा रहेगा, और ठंडी जाते ही आपको आम के पौधे में काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होगा। तो जो मैं आपको खाद में बतला रहा हूँ, वो खाद में आज मैं आपको डाल के भी दिखाऊंगा, और क्या क्या मैं कौन सा खाद यूज करता हूँ ये भी मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो ही सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब मत कीजिए और मत देखिए भी। अगले वीडियो में मुझे बहुत लोगों ने शिकायत किया था कि आप खाद के बारे में बतलाए नहीं, तो आप पूरी तरह से वीडियो देखे ही नहीं तो आप कैसे समझेंगे। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, और फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि मैं कौन सा खाद यूज करता हूं और मैं क्या क्या इस खाद में दूंगा, ताकि ये गर्मी ठंडी में भी ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ पे ही रहेगा, इसका ग्रोथ थोड़ा भी नहीं रुकेगा। तो देख सकते हैं अभी मेरा प्लांट कितना अच्छा ग्रोथ पे भी है, नया नया कली भी आ भी रहा है और छोड़ भी रहा है, और ये हमेशा पूरे साल होता ही रहता है। देखिए अभी इसमें सब कली छोड़ेगा, मतलब ये पौधा जो रहता है आम का पौधा मेरा, थोड़ा भी आपका इसका ग्रोथ रुकता नहीं, हमेशा इसका ग्रोथ चालू ही रहता है, पूरे साल इसमें चालू रहेगा और ठंडी में भी चालू रहेगा। ऐसा नहीं है कि ठंडी में ग्रोथ इसका रोक देगा। तो जो मैं खाद दूंगा ठंडी के लिए, वो खाद आप पूरी तरह से देखिएगा, और मैं आपको एक एक करके बतला दूंगा कि मैं कौन कौन सा खाद दूंगा और क्या क्या होता है, वो पूरा का पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं पसंद आता तो मत कीजिए। तो चलिए आज मैं आपको खाद के बारे में आपको मैं बतलाता हूँ कि मैं कौन कौन सा खाद यूज करता हूँ, और 100% जो भी खाद मैं दे रहा हूँ वो 100% ऑर्गेनिक है। एक भी खाद में केमिकल का यूज नहीं करता हूँ। तो जो जो मैं ऑर्गेनिक खाद यूज करता हूँ वो मेरा खुद का ही बनाया हुआ है, मैं एक रुपया भी बाहर से खर्चा नहीं करता हूँ। जो खाद मैं यूज करता हूँ खुद ही घर पे ही मैं बनाता हूँ, या गार्डन से ही मैं बनाता हूँ, वो मैं घर पे यूज नहीं करता हूँ। तो देखिए यही इसी में आम के पौधे में खाद में देख के भी आपको बतलाऊँगा कि मैं कौन कौन सा खाद देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जब भी आप आम के पौधे में खाद देते हैं तो एक चीज़ आप याद रखिए, और ये देखिए मेरा जो खाद मैं देने वाला हूँ यही खाद है, और इतना ही खाद इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा आम के पौधे के लिए ठंडी के लिए। तो देखिए सबसे पहले अगर आप आम के पौधे में खाद देंगे तो ये चीज़ याद रखिए कि आपको मिट्टी अभी के डेट में थोड़ा भी नहीं हटाना है इसमें, और थोड़ा भी जड़ नहीं तोड़ना है, क्योंकि आम का पौधे में जो अभी के डेट में जो ऊपर का ही जड़ रहता है ना, वही एक्टिव जड़ रहता है और उसी से आम के पौधे में न्यूट्रिशन जाता है। अगर वो अभी के टाइम पे अगर आप काट दिए या तोड़ दिए आम के पौधे में मिट्टी को थोड़ा भी होकर के, तो हो सकता है आम के पौधे में प्रॉब्लम भी आ सकता है, या हो सकता है आपको फ्रूटिंग के समय आपको दिक्कत होगा, जो आपको पूरा फूल ड्रॉप फ्रूटिंग ड्रॉप भी हो जाएगा, जो प्लांट अच्छी तरह से ऑब्जर्व भी नहीं करेगा, और हो सकता है न्यूट्रिशन जो रूट होता है वो डेवलप करने में इसको टाइम भी लग सकता है। भले ही आपका पौधा जिंदा रहेगा पर आपको फ्रूट देगा, मगर एक दो फ्रूट देगा तो इसका भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है कि आप पूरे साल मेहनत करें और आपको पौधे में सिर्फ एक दो फल लगे, क्योंकि इतना मेहनत करते पूरे साल और इतना खाद पानी दे के इतना केयर करते हैं, अगर उसके बाद भी आपका फल काफ़ी कम लगे एक दो, तो इसका फ़ायदा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं जो खाद यूज करता हूँ वो खाद आप पूरी तो अच्छी तरह से समझ लिए कि मैं कौन सा खाद यूज करता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं खाद यूज करता हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरा सरसों का खली है। सरसों का खली बहुत ही कम देना है, ज़्यादा खाद नहीं देना है। अगर आप ज़्यादा खाद सरसों की खली देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो सरसों का खली मैं यूज करता हूँ। इसके बाद जो मैं यूज करता हूँ वो करता हूँ आपका इसमें वो जो फिश मील होता है, एक फर्टिलाइज़र होता है, जो फिश मील जो होता है वो मछली का खाद जिसको बोलते हैं, जो मछली को इसको डिकम्पोज करके बनाया जाता है, जो बहुत ही अच्छा खाद होता है। और ये खाद आप चाहिए तो आप खुद भी बना सकते हैं, अगर आपके घर पे मछली उछली आता है तो आप उससे भी आप खाद बना सकते हैं, अच्छी तरह से रौदा में सुखा के और इसको अच्छी तरह से पीस के भी आप खुद भी बना सकते हैं, या आप ख़रीद भी सकते हैं। जब भी आप फिश मील आप ख़रीदेंगे तो हमेशा याद रखिए कि आप अच्छा ही खरीदें और अच्छा कंपनी का ही खरीदें, क्योंकि डुप्लीकेट बहुत ही ज़्यादा आता है, तो ये चीज़ का याद रखिए। अगर आप खुद पे बनाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा विश्वास भी रहेगा। तो मैं जो फिश फर्टिलाइज़र जो मैं यूज करता हूँ मैं खुद ही बनाता हूँ, और ये है मेरा एक जंगली पौधा आता है जिसका मैं पत्ता यूज करता हूँ, इसका पत्ते का मैं अच्छी तरह से सुखा देता हूँ
और सुखाने के बाद क्या करता हूँ, इसको अच्छी तरह से सूख जाने के बाद इसको भी अच्छी ड्राई करके पीस के और ये भी इसी खाद में मिक्स करके यूज करता हूँ। ये क्या काम करता है कि आपका पौधे में जो जब आप इसको डालते हैं ना, तो जो आपको मिट्टी रहेगा, मिट्टी में आपको फंगस जो लगता है या कोई भी आप खाद देते हैं, जैसे मछली का खाद हो गया, सरसों की खली, तो ये फंगस भी पैदा कर सकता है। मगर इसी के साथ साथ ये पत्ते का जो आप ड्राई सूखा के देते हैं, तो इसमें आपका फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये फंगस का कंट्रोल करता है। दूसरा जो मैं इसमें देता हूँ वो देता हूँ, इसमें आपको बता दूँ तो जो देता हूँ वो देता हूँ आपका मैं हरसिंगार जो होता है, हरसिंगार का बीज का सुखा के और इसको पीस के यूज करके मैं देता हूँ, और हरसिंगार का पत्ता भी सुखा के पीस के, मतलब पूरी तरह से ग्राइंडर में पीस के यूज करता हूँ। ये सब क्या होता है कि हमारे मिट्टी को एक तो अच्छी तरह से उपजाऊ रखता है, और दूसरी बात रहता है जो हमारी मिट्टी का उपजाऊ भी रखता है, हमारी मिट्टी में जो भी फंगस उंगस लगने का जो प्रॉब्लम रहता है वो भी बहुत हद तक ये कम कर देता है। तो हरसिंगार का मैं पीसा हुआ हरसिंगार का पीसा हुआ खाद है, और इसके बाद जो जंगली जो आपको पौधा दिखाया उसका पत्ता पीसा हुआ है, इसके बाद इसमें सरसों की खली है, फीस फर्टिलाइज़र है, इसके साथ इसमें जो मिक्स किया हूँ वो है गोबर की खाद। तो सब मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और ये पौधे को ऊपर ऊपर देना है। कभी भी याद रखिए मिट्टी कोड़ के मत दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी मिट्टी कोड़ के देंगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा। ऐसे ही इसको ऊपर से ही आपको देना है, आपको कभी भी ऐसा नीचे मत देना है, ऐसा ऊपर करके आपको देना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर इसको आप थोड़ा भी अगर मिट्टी उट्टी कोड़ के देंगे तो आपको रूट आपका कट सकता है, जिसके कारण आपका प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर आप ऐसे दे देते तो ये आपको धीमे धीमे करके 1 से 2 महीना में डिकम्पोज होना चालू हो जाएगा, और ये खाद आपको पौधे को दिसंबर से मिलना चालू हो जाएगा। और हमारा जो जब सबसे ज़्यादा ठंडी दिसंबर और जनवरी में ही पड़ता है, तो उसी समय हमें ज़रूरी पड़ता है। तो अभी हम ये खाद दे देंगे या 10 दिन के बाद भी आप देते हैं, तो आपके पौधे में एकदम हरा भरा रहेगा, ग्रोथ चालू भी रहेगा, थोड़ा भी ग्रोथ रुकेगा नहीं, और पौधा में थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप जो मैं खाद बोला हूँ वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, पहला गोबर की खाद है, दूसरा है आपका मछली का खाद, तीसरा है इसमें आपका सरसों की खली, चौथा है इसमें आपका हरसिंगार का जो बीज होता है उसको पीस के यूज किया हूँ, पांचवा है इसमें जो जंगली पौधा होता है उसका पत्ता में पीस के यूज किया हूँ। ये सबके मिक्स करके इस आम के पौधे में दिया हूँ, ताकि ये गर्मी में भी ये अच्छा ग्रोथ पे रहे, और ये अच्छा ग्रोथ इसका चालू रहे, ग्रोथ नहीं रुकेगा और प्लांट थोड़ा भी यूज ना हो। इसके बाद भी आप देख सकते हैं, तो ये भी मैं यूज करता हूँ, ये है आपका बकरी का बेस्टेड, तो ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है और पौधा थोड़ा भी नहीं होता है। तो मैं आम करके यही सारा चीज़ यूज करता हूँ अपने पौधे के लिए, और ये 100% मैं ऑर्गेनिक यूज करता हूँ, इसमें थोड़ा भी केमिकल मैं यूज नहीं करता हूँ। तो ये ही सब खाद में यूज करने के बाद मेरा प्लांट रहता है, पौधा रहता है आम का, वो एकदम हरा भरा और अच्छा फ्रूटिंग पे भी रहता है, थोड़ा भी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मैं पौधे में स्टम्प भी मेरा मोटा हो चुका है। तो ये खाद होता है, ये खाद में आपको मैं बतला दूँ, जो फिश का जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें पोटास, कैल्शियम, जिंक, सल्फर, ये सब का मात्रा इसमें बहुत ही अच्छा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट का। इसके साथ देखेंगे तो जो गोबर की खाद रहता है उसमें NPK का सोर्स बहुत ही अच्छा रहता है, साथ साथ नाइट्रोजन रहता है। जो सरसों का खली रहता है वो भी इसमें NPK का सोर्स रहता है, और साथ ही साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट के काम करता है। इसके साथ आप देखेंगे तो जो हरसिंगार होता है और ये दोनों रहता है, दोनों में नाइट्रोजन का मात्रा बहुत ही ज़्यादा रहता है और मिट्टी का भी उपजाऊ रखता है, जिसके कारण देखें तो हमारे पौधा में थोड़ा भी पीलापन नहीं आएगा, थोड़ा भी पत्ता जलेगा नहीं, एकदम हरा भरा रहेगा और हमेशा ग्रोथ पे रहता है, थोड़ा इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ना ही इसमें शिकायत भी होता है। तो आप देखिए जो भी मेरा पौधा है आम का पौधा है वो देखिए कितना अच्छा ग्रोथ पे है, और एक भी इसमें कीड़ा आपको नहीं मिलेगा, ना ही एक भी कीड़ा मिलेगा, ना ही इसमें एक भी पत्ता आपको जला हुआ मिलेगा, ना ही एक भी पत्ता आपको पीला मिलेगा, एकदम ग्रीन और हरा पत्ता मिलेगा, एकदम हेल्दी पौधा मिलेगा, थोड़ा भी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सब मैं खाद यूज करता हूँ, जो मैं आपका सीक्रेट में आपको बतला दिया हूँ इस चैनल पे। तो ही अगर वीडियो ऐसा ही अगर पसंद आ जाए तभी आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो देखिए मेरा मैंगो का प्लांट कितना हरा भरा है। इसके साथ भी अगर आपको ये जो मैं खाद बोला हूँ ये खाद आपको नहीं मिलता है, तो आप दूसरा भी खाद, जैसे हो गया सरसों की खली और गोबर की खाद, ये सब भी आपको बहुत ही अच्छा यादगार है, तब ये भी दे सकते हैं। इसके साथ आप फंगीसाइड या इंसेक्टीसाइड भी यूज कर सकते हैं, मैं नहीं यूज करता इसलिए बोला। ऐसे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़